नमस्कार, मैं भानु, स्वागत करता हूँ आप सभी को दी अध्यापक के प्लेटफॉर्म पर। और सीटेट 2021 का जो रिजल्ट है वो डिजी लॉकर पर आ गया है और हम इसे इस प्रकार डाउनलोड करेंगे। तो आपको इसके लिए कोई ऐप डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, हम सीधे इसे वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे। तो यह देखिए, यह डिजी लॉकर का वेबसाइट है और यह साइनअप पेज है। आप साइनअप पेज पर अपना फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मोबाइल नंबर, पिन और ईमेल आईडी देकर आधार कार्ड नंबर सबमिट कर सकते हैं और आप साइनअप इस पर इजीली हो जाएंगे। और मेक श्योर कि आपका जो मोबाइल नंबर है वो आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, अदरवाइज आप इसे साइनअप नहीं कर पाएंगे। तो आपका जो नंबर आधार से लिंक है वही से साइनअप करें। तो यह हमारा साइनअप ऑलरेडी है, हम इसे साइन इन करते हैं। तो यहाँ पर हमें अपना मोबाइल नंबर देना है और जो हम पिन जनरेट किए हुए हैं वो सिक्योरिटी पिन हमें देना है। तो इस प्रकार हम यहाँ डिजी लॉकर पर साइन इन हो जाएंगे। साइन इन होने के बाद हमारे सामने कुछ ओटीपी आएंगे, तो ओटीपी को हम वेरीफाई करेंगे। तो इस नंबर पे हमारा ओटीपी आ चुका है और इसे हम सबमिट करते हैं। बाकी हम इसके जो होम पेज है ये देखिए खुला हुआ है और इस पर सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी पर जाएंगे और यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो हमें वहाँ टीचर एलिजिबिलिटी का दिखाई देगा, तो उस पर हम क्लिक करेंगे। तो यह देखिए, उस पर हम क्लिक कर दिए हैं और हमारा जो सर्टिफिकेट है वो डाउनलोड हो रहा है। और डाउनलोड होने के बाद हमारा यह जो सर्टिफिकेट है वो पीडीएफ के फॉर्म में आ जाएगा। तो अब देखिए कि यह हमारा डाउनलोड हो गया है और यह हमारा देखिए इतना हम अपना जो इशूड डॉक्यूमेंट है ये सभी हैं और लास्ट नंबर में टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सर्टिफिकेट पीडीएफ के रूप में डाउनलोड हो गया है और इसे हम पीडीएफ डाउनलोड होने के बाद प्रिंट भी कर सकते हैं। तो आप लोगों ने देखा किस प्रकार हम यह डाउनलोड कर सकते हैं। तो